एक दो तीन एक किलो गेहूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन से एक अट्रैक्टिव ट्रांजेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उससे अपना वीडियो की जो है क्वालिटी है, जो सिनेमेटिक लुक है, उसको और थोड़ा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो में बिहाइंड द सीन भी अवेलेबल करके रखा है, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से आपको स्मार्टफोन से जो ट्रांजेक्शन है, आपको कैसे आपको वीडियो शूट करना है। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपने को एडोब प्रीमियर प्रो में उसको कट कर रहा है और कैसे अपना आउटपुट निकलेगा, फाइनल आउटपुट कैसे निकलेगा। तो ये पूरा हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और बाजू की जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, उससे मेरे आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने जो थ्री क्लिप्स थे, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइमलाइन में इंसर्ट कर दिया है। ये जो मेरे तीन क्लिप्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तीन क्लिप में हम लोग ट्रांजेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे पहला करना है कि आपको जो फर्स्ट क्लिप है मेरा, उसमें से मैं स्टार्ट पॉइंट ढूंढूंगा और मेरा एंड पॉइंट ढूंढूंगा। तो हम लोग पहला स्टार्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा है, जहाँ पे जो अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो रिवील हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो, यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिवील हो रहा है। तो उसके बैक एक फ्रेम बैक जाके आपको यहाँ पे कट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन थोड़ा बड़ा के टाइमलाइन यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, और जैसे यहाँ पे इसका एंड ढूंढूंगा मैं, एंड जहाँ पे रहेगा, अभी सोच यहाँ पे एंड हो रहा है, तो जहाँ से वो ऑब्जेक्ट पीछे छुप जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा छुप गया, तो यहाँ पे मुझे कट करना है। ये मैंने निकाल दिया, ये जो पार्ट है वो भी निकाल दिया। अभी देखोगे आप तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। एक बार नेक्स्ट क्लिप में भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको वहाँ पे एंड पॉइंट और जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट वो सर्च करना है कहाँ पे, और वहाँ पे आपको कट करना है क्लिप। तो यहाँ पे जो सेकंड क्लिप है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कट कर दिया। अभी इसका एंड पॉइंट देखते हैं, एंड पॉइंट में यहाँ पे ये सामने आया है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एंड करना है, बाकी का है वो डिलीट मारना है। यहाँ पे मैं बाकी का कट कर देता हूँ। हम लोग आ जाए थर्ड क्लिप के ऊपर, तो थर्ड क्लिप में भी जो थर्ड क्लिप है उसमें भी आपको वही करना है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देखना है। तो ये है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं उससे आगे एक फ्रेम गया, तो यहाँ पे स्क्रीन जो है ऑब्जेक्ट वो रिवील हो रहा है। तो मुझे एक स्टेप उसके पीछे जाना है और यहाँ पे मुझे कट करना है, तो मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। और जो उसका एंड पॉइंट है वो देखते हैं हम लोग कहाँ पे, एंड पॉइंट भी सेम जैसे आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट छुप गया पीछे, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरा एक स्टेप आगे जाऊँगा, एक फ्रेम आगे गया और यहाँ पे मुझे कट करना है। अभी हम लोग तीनों जो है क्लिप एक साथ ले करके देखते हैं कि कैसे ट्रांजिशन आता है इसका।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देखना है कि आपका जो फर्स्ट क्लिप है और जो सेकंड क्लिप है जिससे आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो, तो आपको जिसका जो एंड पॉइंट रहेगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो इसका जो एंड है, ठीक है, तो एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये स्क्रीन आ रहा है, तो उसका जो स्टार्टिंग जो सेकेंड क्लिप का जो स्टार्ट पॉइंट रहेगा वो भी आपको उसी कलर से, नहीं तो जो जिससे आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो उसी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब सिमिलर कलर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये जो शीट है, मतलब बेड है, बेड से मैंने जो एंड है बेड से किया है और स्टार्ट भी मैंने बेड से ही किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेम ही है। और जैसे अब मैं सेकेंड और थर्ड क्लिप का देखोगे, तो सेकेंड क्लिप में देखोगे यहाँ से जो ये जो दिख रहा है ये जो ब्राउन कलर का है, और मेरा जो थर्ड क्लिप है उसका भी जो स्टार्टिंग है वो ब्राउन से हो रहा है, राइट। तो उस कलर जो है सिमिलर मैच होता है, तो आपका जो ट्रांजेक्शन एकदम स्मूथली और एकदम अट्रैक्टिव लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है जब भी आप ट्रांजेक्शन क्रिएट करोगे, आप आउटडोर पे भी कर रहे हो, जैसे आप रिवील का जो होता जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं पेड़ से ट्रांजेक्शन, मतलब जैसे आप लोग पेड़ से रिवील करते हैं, देन पेड़ का जो कलर है सिमिलर आपको जो सेकेंड क्लिप रहेगा उसका भी आपको सेम ही ट्रांजेक्शन पे कलर आना चाहिए, तभी जाके वो मैच हो जाएगा, अदरवाइज वो अलग थोड़ा अलग दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे इस तरह का। तो ये था इस वीडियो में, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, नहीं तो आपको दूसरा कुछ वीडियोस आपको ट्यूटोरियल चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एक दो तीन।